गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नॉलेज अकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन और इसका आज 11वां लेक्चर होगा। पिछली क्लास में हमने आपको चार सेंटेंस दिए थे जो कि इंपरेटिव सेंटेंस हैं और लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं, और हमने कहा था आपको ये सेंटेंस बना लेने हैं और अगली क्लास में हम जब बताएंगे तो आपको मैच करा लेना है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने बनाया होगा। तो चलिए अब देखिए कि आपने जो बनाया वो सही हुआ या नहीं। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यहाँ पर देखिए अगर छोटी बहुत गलतियाँ हुई होंगी तो वो समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले हमेशा आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को पहचानना है कि वो सेंटेंस कौन सा है। तो भाई लेट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमने जैसा कि पिछली क्लास में कहा था कि इंपरेटिव सेंटेंस पता कर लेने पर ऐसा नहीं है कि आप लोग सब बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लेट से शुरू हो रहा है और लेट के लिए कुछ अलग ही रूल है। तो लेट के लिए हमने कहा था कि लेट के अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, तो आप लेट वाले सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, उनके भाव को देख करके यानी कि उनके अर्थ को समझ के, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कहा गया लेट अस हेल्प द पुअर, यानी कि यहाँ पर हेल्प करने की बात की जा रही है किसके, पुअर की यानी कि गरीबों की। तो गरीबों की मदद की बात की जा रही है किसके द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा किसी गांव वाले लोगों के लिए, विलेजर्स के लिए, यानी गांव वाले लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भाव कैसा प्रकट हो रहा है, क्या आदेश का भाव है या किसी से अनुमति लेने या देने का भाव है या अपनी इच्छा का भाव है, नहीं, यहाँ पर एक क्या है, प्रस्ताव देने की बात की जा रही है, एक सजेशन देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे, क्योंकि हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा से सामने वाला काम नहीं करता है, वो अपनी इच्छा से करेगा, हमारा काम है सजेशन देना। तो ये जो है, अगर हम कह रहे हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये हमारे सजेशन होते हैं, ना कि हमारी इच्छा, ठीक है, ये हमारा प्रस्ताव होता है, एक तरह से सलाह होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या बनाएंगे इसको, तो जैसा कि पिछले क्लास में पहला सेंटेंस हमने बनाया था, ठीक है, जब भी कोई सलाह रहे, प्रस्ताव रहे, तो कैसे बनाते हैं, तो भाई सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ठीक है, आई प्रपोज या सजेस्टेड टू द विलेजर्स, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई, यानी कि इस सेट टू के बदले हमको किसका प्रयोग करना था, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करना था, क्लियर है, ठीक है। कब, जब भाव कैसा हो, यानी कि सेंटेंस कैसा हो, प्रस्ताव वाला हो, एक तरह से सजेशन वाला हो, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या करते हैं, तो बच्चे हमने बताया था इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, तो हमने दैट लगा दिया। फिर अब क्या करना है, तो भाई लिट क्या होगा, तो लिट गायब हो जाता है, अस है, तो अस को हमें बदल देना है किसमें, वी या दे में, ठीक है, वी या दे में, दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं, तो वी या दे में बदल दिए। उसके बाद क्या है, अब क्या है, हेल्प द पुअर है, लेकिन सिर्फ वी और दे में नहीं, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है जो कि मॉडल वर्ब है शुड, तो वी या दे शुड हेल्प द, बाकी सब जैसे वैसे उतार देना, हेल्प द पुअर, बस आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि भाई लेट को हटाना है, तो वी लेट अस को एक साथ समझ लीजिए, काम कीजिए, एक साथ इसको कर लेते हैं, लेट अस को एक साथ हटाना है, तो वी या दे शुड ये लगाना है यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ तक आपको लगा लेना है। तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला सेंटेंस कह रहा है यू शेड, ठीक है, फिर देखिए सेंटेंस कौन सा लेट से लेट वाला है, तो अब देखेंगे पहले पूरे सेंटेंस को कि क्या कहना चाह रहा है। लेट मी डू व्हाट आई लाइक, ठीक है, कह रहा है यू शेड, तुमने कहा लेट मी डू व्हाट आई लाइक, ठीक है, मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ या जो मैं, मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है वही मुझे करने दो, ऐसा कहा जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो मुझे अच्छा लगता है वही मुझे करने दिया जाए, तो ये क्या, ये प्रस्ताव हो सकता है क्या, सजेशन हो सकता है क्या, नहीं, ये मेरी इच्छा हो सकती है,
ठीक है, मेरे विचार हो सकते हैं, ठीक है, तो अब उसको उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो जब बात इच्छा की आती है, खुद के विचार की बाती है, अपने लिए आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, विस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विस्ट, सेट टू के बदले क्या लगाते हैं, विस्ट लगाते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू विस्ड, ठीक है, यानी कि जब आप अपने के लिए या कोई भी व्यक्ति जब स्वयं के लिए कुछ जाहिर करता है, कुछ कहता है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी इच्छा है, तो इच्छा के लिए विस्ड लगाते हैं, ठीक है। डिजायर्ड भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, डिजायर्ड की भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे, हम विस्ड का ही प्रयोग करते हैं, या हम डिजायर्ड यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डिजायर्ड भी लगाया जा सकता है। डिजायर्ड का मतलब भी होता है इच्छा, ठीक है, तो यू विज्ड या यू डिजायर्ड, ठीक है। अब क्या, इन्वर्टेड कॉमा के बदले जैसे इसमें दैट का प्रयोग हुआ, वैसे यहाँ भी दैट का प्रयोग होगा। अब लेट, लेट यहाँ पर गायब हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे एस के लिए वी आर दे आया था, उसी तरह से मी के लिए क्या आ जाएगा, तो भाई मी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि क्या है। अब कहोगे सर जी यहाँ क्यों नहीं देखे, यहाँ भी तो फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के अनुसार हमें देखना चाहिए था। तो नहीं बच्चों, इस केस में क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन ये सब नहीं देखते हैं, लेकिन इस वाले में यही अंतर है कि इसमें हमें देखना होगा फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू की जगह पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे यू ही आ जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, तो यू, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुड लगा वैसे ही शुड करेंगे, और डू, उसके बाद व्हाट है, तो व्हाट जैसे है वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आई, फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का फिर यहाँ पे यू हो जाएगा, व्हाट यू। अब देखिए लाइक, लाइक का जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, क्योंकि बाहर वाला सेंटेंस पास्ट में है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चेंज ऑफ टेंस का रूल भी फॉलो हो गया, चेंज ऑफ टेंस का रूल भी फॉलो हो गया है, ठीक है। तो इसी बात का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये तो चेंज ऑफ टेंस का रूल तो जनरल रूल है, तो जरूरत पड़ने पर लगेगा ही लगेगा। बाकी यहाँ पर और यहाँ पर इस बात का अंतर है कि यहाँ पर अस के लिए हमने कोई भी क्या किया, ये नहीं देखा कि भाई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर ये चेंज होगा, ठीक है। बाकी हेल्पिंग वर्ब वही है शुड, जो कि उसमें लगा था, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, जो कि इसमें लगा था, ठीक है। यहाँ पे प्रपोज सजेस्टेड टू था, यहाँ पे विज्ड हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, यानी कि कह रहा है कि द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन। अब देखिए यहाँ पे क्या, लेट द मैन कम इन। अब यहाँ पर देखिए संबंध कैसा है, कि संबंध भी आपको बता सकता है कि वो सेंटेंस किस तरह का हो सकता है। तो देखिए प्रिंसिपल और पियोन की बात की जा रही है, प्रिंसिपल और पियोन की, तो भाई प्रिंसिपल पियोन को कोई प्रस्ताव तो नहीं देगा, ठीक है, ना ही अपनी इच्छा जाहिर करेगा, वो तो एक तरह से एक समझिए कि वो या तो अनुमति देगा, ठीक है, प्रिंसिपल, और या तो भाई पियोन जो है वो अनुमति लेगा, दोनों में से यही बातें होंगी, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल पियोन की बातें ज्यादातर अनुमति देने और लेने से संबंधित ही होती है। और यहाँ भी क्या कह रहा, लेट द मैन कम इन, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर आने की बात की जा रही है, तो अंदर जब आना है भाई प्रिंसिपल के ऑफिस में, तो परमिशन लेने की बात हो रही है, ठीक है, या परमिशन देने की बात हो रही है। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, तो परमिशन जहां पर लेने और देने की बात होती है और लेट वाला सेंटेंस हो, तो हमने बताया था किसका प्रयोग करते हैं, तो टू अलाउ का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बदले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो द प्रिंसिपल है, तो जैसे है वैसे ही रहेगा द प्रिंसिपल। उसके बाद सेड टू के बदले क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो द प्रिंसिपल सेड टू के बदले हमने बताया था आपको कि क्या लगेगा यहाँ पे, आस्क्ड ठीक है, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड क्या हो जाएगा, ये द प्रिंसिपल आस्क्ड द पियोन, आस्क द पियोन, ठीक है,
यहाँ पे आस्क्ड की जगह पे ऑर्डर्ड भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड या प्रिंसिपल आस्क्ड या प्रिंसिपल टोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तीनों चीज कर सकते हैं, टोल्ड, आस्क्ड या ऑर्डर्ड। द पियॉन, उसके इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, अब लेट को क्या करना है हटा देना है, और सॉरी दैट नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू अलाउ, ठीक है, टू अलाउ। अब किसे अलाउ कर रहा है, द मैन को, तो टू अलाउ द मैन। फिर यहाँ पर हमने बताया था कि जब टू अलाउ वाला होता है तो यहाँ पे वर्ब के पहले भी आपको टू लगा देना है, तो टू कम इन, बस ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इन्हीं चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे जब भी भाई परमिशन लेने या देने की बात होगी तो टू अलाउ का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले लेट को हटा दिया जाएगा, बाकी जो सब्जेक्ट है द मैन जैसे वैसे ही रहेगा, कम जो है यानी कि जो वर्ब है उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे, फिर बाकी जैसे वैसे ही रहेगा। उसके नेक्स्ट है यहाँ पे ही से लेट इट बी अ रेक्टेंगल, तो देखिए बी जो है ये एक कल्पना को बता रहा है कि भाई वो एक रेक्टेंगल हो सकता है या उसे एक रेक्टेंगल होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात है यानी कल्पना की जा रही है, यानी कि एक मतलब एक कह सकते हैं कि हम लोग विचार रख रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो रेक्टेंगल हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग सपोज्ड, ठीक है, का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सपोज्ड, ठीक है, ही सपोज्ड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले फिर दैट का प्रयोग, ही सपोज दैट, और लेट इट को क्या करते हैं हटा देते हैं, यहाँ पर लगा देंगे टू बी अ रेक्टेंगल। तो इस तरह के सेंटेंस आपको दिखाई देंगे इंप्रेटिव वाले, और आशा करते हैं कि ये इस तरह के सेंटेंस हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कहाँ पर कैसे क्या करते हैं, ठीक है। हमने आपको ज़्यादा रूल्स नहीं लिखवाए हैं, ज़्यादा रूल्स नहीं पढ़ाए हैं, सिर्फ आपको कैसे बनाना है ये सिखाया है हमने, ठीक है। तो इसको लेकिन प्रैक्टिस में बने रहना पड़ेगा, रूल्स इसलिए हमने नहीं लिखवाया क्योंकि रूल्स क्या होता है कि लिखने के बाद आपको फिर रूल्स रटने पड़ते हैं, रटने की बजाय उनको समझ लीजिए, उनको सीख लीजिए, भले आपको एक दोबारा हमारा वीडियो देखना पड़े तो देखिए, लेकिन सीख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और आज जो है इम्परेटिव हम लोग का चल रहा था, और आशा करते हैं कि इम्परेटिव जो है आपका आज कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इम्परेटिव। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ेंगे जो कि क्या है, ऑप्टेटिव, ठीक है। तो चलिए पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर ऑप्टेटिव का थोड़ा सा आज जो है इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, और नेक्स्ट क्लास से फिर ऑप्टेटिव को भी देखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है ऑप्टेटिव भी। चलिए इसको पहले आप सही कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेटिव सेंटेंस की, तो क्या होते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस, सिंपली समझिएगा, देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होता है प्रे होता है, यानी कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद लगे कि इसमें किसी भी तरह के प्रे यानी कि प्रार्थना की बात की जा रही है, ठीक है, कोई प्रार्थना कर रहा है किसी के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग के जो है दोस्त हों चाहे अपने घर के, जैसे आपकी माँ है वो प्रार्थना करती है भगवान से कि भाई हमारे बच्चे जो है कुछ अच्छा करें, ठीक है, हमेशा स्वस्थ रहें, इस तरह की बात, तो ये प्रे आ गया, ठीक है, या ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, ठीक है, जानते ही होंगे जब भी हम लोग क्या करते हैं आशीर्वाद, ठीक है, चलिए तो आशीर्वाद समझ ही रहे होंगे, जैसा कि हम लोग जैसे अपने माता पिता को या अपने से बड़े किसी व्यक्ति को अगर पैर छू के प्रणाम करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं आशीर्वाद देते हैं, है ना। चलो उसके बाद भाई कर्स, ठीक है, कर्स जानते हैं ये श्राप होता है, श्राप, अभिशाप भी कहते हैं इसको, श्राप भी कहते हैं, मतलब कैसा श्राप, तो ये श्राप मतलब है कि जैसे कोई दूसरों के लिए बद्दुआ टाइप का, कि अगर कोई दूसरे के लिए बद्दुआ करे, दूसरे को बद्दुआएं दे, ठीक है, भाई तुमने मेरे साथ ऐसा किया तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा, मतलब कुछ बुरा सोचे, वही हमारा क्या है कर्स है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है,
भाई प्रे होता है, ब्लेस होता है, कर्स होता है, ठीक है, विश इच्छा, ठीक है, विश भी होता है इच्छा, है ना, कोई इच्छा प्रकट करते हैं किसी के लिए, ठीक है, तो वो विश होता है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर हमें दिखाई देते हैं, उनमें मतलब सेंटेंस में ऐसे भाव दिखाई देते हैं, तो वो हम लोग समझ जाते हैं कैसा सेंटेंस ऑप्टेटिव का। और दूसरा तरीका क्या है कि ऑप्टेटिव के सेंटेंस होते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमेशा वो हमेशा या लगभग मे से शुरू होते हैं, ठीक है, अक्सर ही जो है ना वो मे से शुरू होते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है पता लगाने का कि एंड में कुछ ऐसा सिंबल होगा आपको, ठीक है, तो इस सिंबल से और इस मे से, इस सिंबल से और इस मे से हम पता कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई ये सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव है। और जब आप पता कर लोगे तो इसके बनाने के तरीके बिल्कुल आसान है, एग्जाम्पल से ही आप समझ जाओगे। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल ही बताते हैं कैसा है एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल से, जैसे हमने कहा, हमने एक सेंटेंस दिया कि ही सेड, ठीक है, ठीक है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, और ये ऐसा रहा। तो अब क्या है कि भाई मैं दिख रहा तो आप में से ही समझ गए, अच्छा, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें जो है मैं के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे बात थोड़ी ब्लेस की, तो सेंटेंस पकड़ना हो, क्योंकि मैं जो है आपका क्या है, एक मॉडल वर्ब है, और हो सकता है कभी कभी ये इंट्रोगेटिव में पूछा जाए, तो आपको पहले पता कर लेना है एक तो ये, और दूसरा ये सिंबल देख करके। सबसे अच्छा है कि ये सिंबल देखिए, क्योंकि अगर मैं जो है, अगर मैं से शुरुआत हो रहा और अगर वो क्या है आपका मॉडल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो जरूर है कि लास्ट में सिंबल कैसा होगा, इंट्रोगेटिव साइन होगा। लेकिन अगर ये क्या है ऑप्टेटिव है, तो साइन कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा पता करने का तरीका यही है, ये वाला, ठीक है, साइन। तो अब पता चल गया, बनाना देखिए बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, अगर कोई ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, अच्छी इच्छा जाहिर प्रकट कर रहा है, ठीक है, भगवान से, तो सीधी सी बात है कि वो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है सेड के बदले वो जो भाव प्रकट कर रहा है वही लगा देंगे, ब्लेस का भाव है तो ब्लेस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये वी टू में है तो ब्लेस का वी टू ब्लेस्ड हो जाएगा, यानी कि ईडी लग जाएगा इसमें। इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर भी दैट का प्रयोग करेंगे, ये मे को अभी नहीं लिखेंगे, मे क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा, लेकिन पहले हम सब्जेक्ट को ले आएंगे, गॉड है तो गॉड आ जाएगा पहले, उसके बाद मे का क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा, ठीक है, बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे, ब्लेस का ब्लेस और यू सेकेंड पर्सन, यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन तो भाई मेका है, जेंडर रूल तो हमेशा ध्यान रखना है, चेंज ऑफ पर्सन तो यू सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमने कहा है जब भी ऑब्जेक्ट ना रहे तो आपको क्या मान के चलना है, खुद को मान के चलना है, यानी कि मी को मान के चलना है, क्या मान के चलना है, मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू का मी, ब्लेस्ड मी, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया भाई, ही ब्लेस्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। चलिए इसी तरह से और भी सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे द मदर सेड, ठीक है, अब उसने कहा यू लिव लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि अगर आप सेंटेंस को देखें, बच्चों ध्यान से आप सेंटेंस को अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर मे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने क्या कहा, सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिंबल को देखिए, सिंबल देखिए पता चल गया कि ये कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे ही पता चला ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर क्या कहा, यू लिव लॉन्ग, यानी कि आपके लंबी उम्र की, आपके लंबे जीवन की कामना की जा रही है, इच्छा जाहिर की जा रही है, इसका मतलब, और वो भी मैं आपकी माँ है, तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, ब्लेस कर रही है या प्रे कर रही है भगवान से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो द मदर ब्लेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, या प्रेड भी हो सकता है, या विस्ड भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आप अगर जनरल कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, तो हो सकता है वो इन दोनों में, तीनों में से कोई भी दे दे, हाँ, कर्स तो नहीं हो सकता, श्राप तो नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इनवर्टेड कॉमा के बजाय आपको क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है, तो दैट हो गया,
उसके बाद देखिए मे रहे या नहीं रहे, आपको माइट जरूर लगाना है किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी मानेंगे, मी के लिए क्या हो जाएगा आई, उसके बाद क्या हो जाएगा माइट, और उसके बाद क्या हो जाएगा लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, और इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो देखिए बच्चों यही है ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस यही एक है ऐसा है, या तो मैं आपको दिखाई देगा या तो मैं आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको पता किसे लगाना है, इस सिंबल से पता लगाना है, ठीक है, इस साइन से पता लगाना है कि कैसा ऑप्टेटिव है कि नहीं, और आप देखिएगा बहुत ही आसानी से आप इस तरह के सेंटेंस को कर लेंगे। और अक्सर ही ऐसे सेंटेंस भी जनरल कंपटीशन में भी और आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम में भी आते हैं। तो इस तरह से चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारे सारे लेक्चर वहाँ से देखें, आपको वन बाय वन टॉपिक बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन, ठीक है। आपको कहीं भी तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।